रिलायंस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के लिए टेंडर किया था और वो टेंडर मैंने रिजेक्ट किया था। उस समय धीरूभाई थे, वो भी मेरे ऊपर नाराज हुए और मेरे मुख्यमंत्री और सब नेता भी बहुत नाराज हुए। बाला साहब ठाकरे उस समय थे, वो भी मुझे कहने लगे कि तुम ऐसा क्यों करते हो। जब नितिन गडकरी से खफा हो गए थे बाला साहब ठाकरे और धीरू भाई अंबानी, खुद केंद्रीय मंत्री ने किया बड़ा खुलासा। गडकरी ने बताया 1995 में वे राज्य मंत्री थे और मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के लिए उनके पास रिलायंस का एक टेंडर आया था। ये टेंडर 3600 करोड़ रुपए का था, जो नितिन गडकरी को बहुत ज्यादा लगा। ऐसे में उन्होंने रिलायंस का टेंडर रिजेक्ट कर दिया, जिसके चलते न सिर्फ रिलायंस के धीरू भाई अंबानी बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और बाला साहब भी नाराज हो गए थे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक पुराना व्याख्या याद कर बड़ा खुलासा किया है। गडकरी ने बताया कि कैसे उन्होंने 2000 करोड़ रुपए बचाए थे। हालांकि उनके इस कदम से धीरू भाई अंबानी और बाला साहब ठाकरे बुरी तरह खफा हो गए थे और कहा था कि उन्होंने किसी की परवाह नहीं की है। गडकरी शुक्रवार को निवेशकों के शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। गडकरी ने बताया कि 1995 में वे राज्य मंत्री थे और मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के लिए उनके पास रिलायंस का एक टेंडर आया हुआ था। ये टेंडर 3600 करोड़ रुपए का था, जो नितिन गडकरी को बहुत ज्यादा लगा। ऐसे में उन्होंने रिलायंस का टेंडर रिजेक्ट कर दिया, जिसके चलते न सिर्फ रिलायंस के धीरू भाई अंबानी बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और बाला साहेब भी नाराज हो गए थे। उन्होंने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो गडकरी ने बताया कि वह प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक से पैसे जुटाएंगे। उस समय उनकी बातों पर लोगों को हंसी आ रही थी। गडकरी का कहना था कि हम 26 ग्रीन एक्सप्रेस वे हाईवे बना रहे हैं और करीब 2 लाख करोड़ की टनल, पैसे की कोई कमी नहीं है। हम सोने की खदानों पर बैठे हैं, हमारे पास टोल राजस्व है और यह बढ़ रहा है, हमें कोई समस्या नहीं है। हमें लॉजिस्टिक लागत को कम करने और मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, जो विनिर्माण आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने में मदद करेगा। हम जल्द ही फ्लेक्स इंजनों पर एक एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, 2 से 3 साल में हमारे वाहन ईवी में परिवर्तित हो जाएंगे। ईवी की रनिंग कॉस्ट पेट्रोल वाहनों के समान या उससे कम होगी। टोयोटो, सुजुकी और हुंडई ने आश्वासन दिया कि वे फ्लेक्स फ्यूल इंजन निर्माण को बढ़ाएंगे। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद। जब मुंबई में इस कार्यक्रम में मैं आया तो ये इन्वेस्टमेंट की याद मुझे आ रही थी। जब 95 में मैं मिनिस्टर था यहाँ और रिलायंस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के लिए टेंडर किया था और वो टेंडर मैंने रिजेक्ट किया था। उस समय धीरूभाई थे, वो भी मेरे ऊपर नाराज हुए और मेरे मुख्यमंत्री और सब नेता भी बहुत नाराज हुए। बाला साहब ठाकरे उस समय थे, वो भी मुझे कहने लगे कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो मैंने उनको कहा था कि मैं पब्लिक से पैसे लाऊंगा और एक्सप्रेस हाईवे वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट 55 फ्लाईओवर्स बनाऊंगा। तो सभी लोग मुझे हंस रहे थे। तो उस समय मेरे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी जी थे, उन्होंने कहा कि नितिन तुम अच्छा बोल रहे हो, मेरा विश्वास नहीं होता, पर केवल तुम बोल रहे हो तो यह करके देखो, मुझे नहीं लगता कि यह होगा, पर लेट अस ट्राई फॉर इट। और पुणे में इतना ट्रैफिक जाम है, हम लोग मुंबई दिल्ली हाईवे को सूरत से एक नया रोड बना रहे, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर और सोलापुर से चेन्नई, बेंगलोर, कोचीन, हैदराबाद, सबके लिए वहां से पूरे साउथ में जाएंगे। तो उत्तर का पूरा ट्रैफिक जो नॉर्थ से आ रहा, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, वो पूरा ट्रैफिक जो मुंबई पुणे आके साउथ में जा रहा था वो सूरत से बदल जाएगा, तो यहाँ का ट्रैफिक जाम कम हो जाएगा। हम ऐसे 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, करीब 2 लाख करोड़ की टनल्स बना रहे हैं और हमें कोई पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं अभी हमारे सेक्रेटरी साहब को कह रहा था, ये टारगेट शब्द NHAI के डिक्शनरी से निकाल दो, आप में जितनी ताकत होगी उतना काम आप करोगे, आपको पैसे की कमी कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम गोल्ड माइन पर बैठे हैं, इतना हमारा टोल का इनकम है और आगे और बढ़ते ही जा रहा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं।